कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने दिल्ली प्रदेश दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर कई इल्जाम लगाते हुए उन्हें घेरा। साथ ही बीजेपी पर जुमलेबाजी करने का आरोप भी लगाया और कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मुंसिफ टीवी की रिपोर्टर गुलिशा ने कांग्रेस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कैंडिडेट उदित राज से बातचीत की, सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट उदित राज जी मौजूद हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बीजेपी पे कई तरह के जो मुद्दे हैं वो भटकाने का आरोप लगाया, क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा सीधा है कि 2014 से 19 तक जब एमपी था तो तमाम सारे विकास के काम हमने किए थे और कईयों को मंजूर हमने कराया था, जैसे मुंडका, किराड़ी और नरेला में रेलवे ब्रिज, वो मंजूर कराया हुआ नहीं शुरुआत कर पाए। मेट्रो का सेंक्शन नरेला तक हमने कराया था, वो स्टार्ट तक नहीं करे। हमने संसद में कई बार मुद्दा उठाया था कि बवाना और कुतुबगढ़ तक एक मेट्रो जानी चाहिए, फिर इस बार उठाऊंगा उसका। ग्रामीण क्षेत्र तो बहुत पिछड़ा है, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं और किराड़ी एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जलमग्न रहता है, उसको वहाँ से उभारना है। 55 एकड़ जमीन DDA से लेकर MCD को दिया हमने, उस पर निर्माण कार्य होना चाहिए था, उस पर कुछ नहीं कार्य हुआ, उसको पूरा करना है। उदित जी, जब से कांग्रेस ने आपका नाम जो है वो लोकसभा सीट के लिए सामने रखा है, तब से कई तरह के जो है विरोध प्रदर्शन में देखने को, विरोध नहीं है जनता। अगर ये विरोध कर सकते तो 4% रिजल्ट पर क्यों रहते? ये वही हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस चल रही, 4% है, यही लोग हैं जिसके वजह से कांग्रेस खत्म हुई। इन लोगों से मुक्त करा दिया जाए, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, नई लीडरशिप की जरूरत है। इस बार क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? कांग्रेस की रणनीति है, देखिए, 30 लाख पक्की नौकरी देना है। मोदी जी 10 साल में 8 लाख तक नहीं दे पाए। उसके बाद में आप हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया साल में, हर शिक्षित बेरोजगार युवा को 1 लाख रुपये साल, किसानों को MSP देना है, कर्ज माफी की बात है हमारे यहाँ, जाति जनगणना की बात है, जो 50% आरक्षण की सीमा है उसको हटाया जाएगा, अग्निवीर खत्म किया जाएगा, ये सारे हमारे रोड मैप। बीजेपी का कहना है कि जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी तब MSP कानून को क्यों नहीं लेके आए? किसानों को जो भी किया है हमने किया है, ये तो कह सकते। शुक्रिया हमसे बात करते। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट उदित राज साहब। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा दिल्ली।